Ranbir Kapoor and Katrina Kaif recently ended their relationship and shocked their fans. Since then, many reports about their troubled relationship, their secret meetings and much more was circulated in the media. And now Ranbir's mommy dearest Neetu Kapoor has finally broken her silence over the breakup issue. RK's mom Neetu opened up about son's troubled relationship at a recent event, and it was something unexpected. At a recent event, when Neetu Kapoor was asked what she had to say about Ranbir Kapoor's marriage and his relationship with Katrina, she said, "What should I say? Everyone has their own life, so I don't want to say anything." ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की लड़ाई में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को जो नोटिस भेजा था, उसमें ये बात सामने आई है कि ऋतिक ने कंगना के कुछ पर्सनल ईमेल एड्रेसेस हैक कराए थे। नोटिस के मुताबिक ऋतिक कंगना से अपने रिलेशन का हर एक सबूत मिटा देना चाहते थे। उन्हें डर था कि कंगना उन्हें भेजे गए मेल्स और फोटोज का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकती है, इसीलिए उन्होंने कंगना का ईमेल एड्रेस ही हैक करा लिया। शायद इसी वजह से कंगना ने राकेश रोशन से कहा था कि वो अपने बेटे को संभालें और समझाएं। दूसरी ओर ऋतिक ने जो मानहानि नोटिस कंगना को भेजा था, उसमें उन्होंने कंगना पर 1439 पर्सनल ईमेल्स करने का आरोप लगाया था। इंडियन क्रिकेटर एम एस धोनी के जीवन पर बायोपिक फिल्म बन रही है। इस फिल्म में मंझे हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म में जो कलाकार उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही हैं, वो असल जिंदगी में काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। धोनी की एक्स गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही इस बोल्ड एक्ट्रेस का नाम है दिशा पटानी। दिशा इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। फिल्म में दिशा का कैरेक्टर काफी इंस्पिरेशनल है। सुशांत के साथ उनकी जोड़ी भी काफी अच्छी लग रही है। बता दें कि धोनी की बायोपिक 2 सितंबर 2016 को रिलीज होगी। इसकी जानकारी खुद सुशांत ने ट्वीट के जरिए दी थी। डांस के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की बेटी की अदाओं से लगता है कि वो सब पे भारी पड़ने वाली हैं। मिथुन की बेटी दिशानी काफी स्टाइलिश है। वो फैशन का भी काफी ध्यान रखती हैं। दिशानी बॉलीवुड के बड़े सितारों से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। जब वो सलमान खान और दीपिका पादुकोण से मिली तो उन्होंने इन सितारों के साथ देर तक बातें की। दिशानी पापा मिथुन और भाई मीमो के साथ अक्सर पार्टियों में देखी जाती हैं। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जरीन खान फिल्म अक्सर के सीक्वल में काम करती नजर आ सकती हैं। जरीन ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म वीर से की थी। वीर की असफलता के बाद जरीन ने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन पहचान नहीं बना सकी। पिछले वर्ष प्रदर्शित फिल्म हेट स्टोरी 3 में जरीन ने जमकर अंग प्रदर्शन करके अपने डूबते करियर को बचा लिया। जरीन को अब एक और ऐसी फिल्म मिल गई है जो कि हिट फिल्म का सीक्वल है। बताया जाता है कि अक्सर पार्ट 2 हॉट सीन से भरपूर होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।